हाँ जी, सारिआं नूं सति श्री अकाल। मेरे वल्लों अज आपां बनावांगे गुलाब जामणा, जो कि बहुत ही आसान तरीके नाल बहुत ही घट समय च तैयार होण वालियां। प्लीज़ वीडियो एंड तक जरूर वेख्यो। सारिआं तों पहलां आपां लए आ नॉर्मल बिस्कुट, आपां 2 पैकेट लए आ, तो इन्हां नूं आपां एक बोल दे विच, पैकेट नूं दे विच आपां सारे बिस्कुटां नूं कढ लवांगे। जे आप सारे बिस्कुट खोल ले आप इनू मैक्सी दे विच पीसना, इस करके आप छोटे छोटे सारे बिस्कुटा नू तोड़ लवांगे। तोड़ना बहुत जरूरी आ, फिर मैक्सी ने चंगी तरह अपना जिहड़ा आटा बिस्कुटा दा तैयार नहीं करना गा। आप सारे बिस्कुटा नू बरीक बरीक तोड़ लिया। आपां इन्हां नूं मैक्सी दे विच पीसांगे, ते थोड़े जे आपां इहदे विच इलायची दे कढ़े हुए दाणे उह पा लवांगे, विच ही पीस लवांगे। हांजी, आपां बिस्कुटां नूं पीस लिया, ते हुण आपां इहदे विच ऐड करांगे 2 चमच नारियल बूरा, 2 चमच। इहनूं चंगी तरह आपां मिक्स कर देवांगे। तो बाद आपां पावांगे मिठा सोडा, बेकिंग सोडा जिहनूं कह दिंदे आ। ये आपां 4 चुटकियां ही पाउणियां, ज़्यादा नहीं पाउणियां गा, थोड़ा जिहा ही पाउणा आपां। हुण आपां इहनूं चंगी तरह मिक्स कर लवांगे। ये गल दा मिक्स हो चुक्या, हुण आपां इहदे विच ऐड करांगे थोड़ा थोड़ा दुध। थोड़ा थोड़ा पा के इहदे नाल आपां हिलाई जाणा। थोड़ा दुध पा के आपां इस तरह मिक्स करी जाणा। आपां बाला नहीं ऐ दबाउणा गा इहनूं, इस तरह थोड़ा थोड़ा ही उंगलां दे नाल मिक्स करना। अपने हिसाब नाल तुसीं दुध पा लैणा। इह आपे हौली हौली आटे की तरह कट्ठे होण लग जाणा, ते आपां इहनूं बाला नहीं दबाउणा गा। देखो ये हजे हाथ दे नाल चुंबड़दा जिहा आ, अपने बिस्कुट का आटा जिहड़ा हाथ दे नाल इस तरह चुंबड़दा। आपां इहनूं थोड़ी जी देर लई इस तरह ही रख दांगे ढक के। देखो अपना बिस्कुटां दा डो गुलाब जामणा वास्ते बन के रेडी आ। हुण तुसीं चैक कर सकते हैं, ये हाथ में बिल्कुल नीगा ना लगता पिया गा, बहुत ही वधिया तैयार हो चुकिया। इहदियां बनावांगे गुलाब जामणा। आपां इक्को जिहा सैज बनाउणा चाहुंदे हां तां गुलाब जामणा दा, फिर आपां नूं 1 चमच चाहीदा। उहदे विच इस तरह आपां डो नूं भर लैणा। आपणा फिर सैज सारियां गुलाब जामणा दा इक्को जाऊगा। उस तों बाद आपां इहनूं थोड़ा जिहा हल्का जिहा पहिलां दबा लैणा, मुड़ के बिल्कुल नॉर्मल हाथ नाल आपां घुमाउणा आ। देखो अपनी बहुत वधिया गुलाब जामुन तैयार होगी। इस तरह आपां सारियां गुलाब जामुना बना लैणियां। हल्के जे हाथ नाल इस तरह बनाओगे तां बन के रेडी हुंदियां। आपां गुलाब जामुना सारियां रेडी कर लईआं। आपां इन्हां नूं फ्राई करांगे जी। चासनी मैं पहले ही रेडी कर ली सीगी, ते इहदे विच मैं पाईआं 2 कौलियां खंड दीआं, ते 1.5 कौली पाई सीगी आपां पानी दी, ते इहनूं हल्की जी तार वाली आपां बना लई आ। तो हुण इहनूं थोड़ा जिहा आपां गर्म करांगे, बहुता ज़्यादा भी नहीं ते बहुती ठंडी भी नहीं गी, हल्की जी गर्म करके आपां रख लैने। इहनूं चासनी हल्की जी गर्म हो चुकी आ, ते आपां इहनूं गैस तों पासे रख देवांगे हुण। हांजी हांजी, आपां गुलाब जामुना फ्राई करन वास्ते तेल गर्म रख दिता। थोड़ा जिहा गर्म होण ते आपां इहदे विच गुलाब जामुना पावांगे। अपना तेल गर्म हो चुकिआ, हुण आपां इहदे विच पावांगे गुलाब जामुन। इस तरह
हल्के जे हाथ नाल विच रख देना। देखो आपां गुलाब जामुन विच पा दित्तियां ते इहनूं आपां मीडियम गैस ते ही पकाउणा, फुल गैस ते नहीं पकाउणा गा। इस तरह पलके हाथ नाल हिलाई जाना। आपां चासनी भी कोल ही रख ली आ, आपां इहनूं हल्का जिहा चासनी नूं गर्म कीता, बहुती ठंडी नहीं लैनी गी ते ना ही इह बहुती गर्म लैनी आ, हल्की जी आपां गर्म कर ली आ चासनी। ते आपां इहनूं गुलाब जामुन बण गईआं ते आपां इहदे विच पा देवांगे। देखो अपनियां गुलाब जामुन जिहड़ियां आपां पाईआं सीआं ते उह बण चुकीआं, हुण आपां इहनूं बाहर कढ के चासनी दे विच पा देवांगे। सारियां नूं आपां चासनी दे विच पा देना। आपां विच गुलाब जामुन पा के ते इस तरह आपां उहनूं कड़छी दे नाल हिला देना, जो कि अपनियां गुलाब अपनी चासनी चंगी तरह रच जाए। हुण आपां दूसरियां भी इसे तरह गुलाब जामुन नूं तल लवांगे। विच इह बण के तैयार हो जांदियां। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਕ ਪਾਊਡਰ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਗੁਲਾਬ ਜਾਮਣਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚਾਸਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੁਲਾਬ ਜਾਮਣਾ ਰੈਡੀ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ 2 ਬਿਸਕੁਟਾਂ ਦੇ ਪੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 25-26 ਗੁਲਾਬ ਜਾਮਣਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਟਾਈਮ 'ਚ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਸਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾ ਦੇਣਾ। ਆਪਾਂ 2-3 ਘੰਟੇ ਚਾਸਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਟੇਸਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2-3 ਘੰਟੇ ਚਾਸਨੀ ਵਿੱਚ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਚਾਸਨੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕਲਰ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਓਕੇ।